मारुति सुजुकी की न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा कार दोस्तों अगले महीने भारतीय बाजार में लॉन्च करी जाएगी। इस कार का मॉडल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इस गाड़ी को पूरी तरीके से नया रीडिजाइन लुक दिया गया है। इसमें आपको मौजूदा विटारा ब्रेजा कार की कोई भी चीज नहीं देखने को मिलेगी। इस गाड़ी को काफी समय से बाजार में नए अपडेटेड ऑप्शन के साथ लॉन्च करा जाना था। हाल ही में कंपनी भी इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड मॉडल लेकर आ रही है जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। ये नेक्स्ट जेन एकदम ही नए लुक और नए फीचर्स के साथ आएगा। साथ ही साथ ये दोस्तों हल्का होने वाला है। साथ ही इसमें आपको हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनाई गई है जिसके चलते इस गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में आपको देखने को मिलने वाला है। न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा दोस्तों भारतीय बाजार में लॉन्च होते ही लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है। हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनाई गई है जिसके चलते दोस्तों गाड़ी का व्हील बेस और ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है जिससे गाड़ी को एक बड़ा और स्पेशियस लुक दे पाने में कंपनी को काफ़ी मदद मिलने वाली है। गाड़ी की न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा में आपको मौजूदा वर्जन की तुलना में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बदलाव लुक के साथ साथ फीचर्स में भी किए जाएंगे। नई कार को और भी ज़्यादा प्रीमियम बनाया गया है। कार की लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। इसमें आपको फ्रंट में नया फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा जो कि सुजुकी के नए लोगो और क्रोम सिग्नेचर ग्रिल के साथ आएगा जिसमें आपको प्रोजेक्टर हाई बीम सेटअप और डे टाइम रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। वही रेयर में आपको शानदार सी शेप एलईडी टेल लैंप सेटअप और विटारा ब्रेजा की नई बैजिंग देखने को मिलेगी। ये एसयूवी दोस्तों कई सारे क्रोम एक्सेंट और डुअल टोन एक्सटीरियर पेंट स्कीम के साथ आएगी। वही दोस्तों गाड़ी में और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक देने के लिए कंपनी इसमें आपको 15 से 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स एड ऑन करेगी जो कि गाड़ी को एक प्रीमियम लुक के साथ साथ एक स्पोर्टी फील टच भी दे पाने में मदद करेगा। इस कार में दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी के इंजन में और फीचर्स में बताया जा रहा है। कार का इंटीरियर भी मौजूदा मॉडल से काफ़ी अलग रहने वाला है। इस गाड़ी के इंटीरियर को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करा गया है जिसमें आपको प्रीमियम लेदर क्वालिटी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये गाड़ी 5 से 6 सीटर सीटिंग कैपेसिटी के साथ आएगी जिसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक थीम में आएगा। साथ ही इसमें आपको एक शानदार पावर स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जो कि सेंटर कंसोल डिस्प्ले के साथ आएगा। इसके अलावा इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वॉइस कमांड नेविगेशन और कई सारे जबरदस्त टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा जो कि आप अपनी वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर पाने में सक्षम रह पाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा के इंटीरियर में आपको कई सारे कनेक्टेड फीचर्स सनरूफ और रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक एसी साउंड सराउंड सिस्टम एम्बिशन लाइटनिंग और कई सारे जबरदस्त फीचर्स मिलकर इस गाड़ी को कंफर्टेबल और स्पेशियस बनाने में इसके इंटीरियर को मदद करने वाले हैं। वहीं अगर नई विटारा ब्रेजा के इंजन की बात करें तो खबरों के मुताबिक इस गाड़ी के इंजन में भी काफी बड़ा बदलाव चेंज होने वाला है। इसमें आपको नया 1.5 लीटर का पेट्रोल वाला डीजल इंजन नहीं होगा। इसमें आपको नया पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो कि नई कार में देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही ये गाड़ी 4 स्पीड 1+ प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगी जिसमें आपको फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी इस गाड़ी का कंपनी फिटेड CNG वेरिएंट भी लेकर आई है जो कि 30 से 40 किलोमीटर तक माइलेज दे पाने में सक्षम होने वाला है। नए मॉडल में आपको बेहतर माइलेज के साथ बड़ा माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी मिलेगा जो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर पाने में और अपग्रेड करने में मदद कर पाएगा। भारतीय बाजार में न्यू विटारा ब्रेजा का दोस्तों डिज़ाइन फीचर्स और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन में पूरी तरीके से चेंजेस कर दिए गए हैं जिसके चलते मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च होते ही काफ़ी धमाल मचाने वाली है। इस गाड़ी के बेस मॉडल दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए के अंदर लॉन्च होगा और इसकी लॉन्चिंग डेट दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने में बताई जा रही है। तो अपनी राय में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये न्यू जनरेशन विटारा ब्रेजा का नया मॉडल कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे। अपनी राय अपनी जगह कर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आप इस गाड़ी को बुक करवाना चाहते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।